फटाफट चैप्टर का नाम बताओ, क्या लिखा है? वोकैबुलरी तो समझते हैं, एनरिच करना मतलब ग्रो करना, इंप्रूव करना, इंक्रीज करना, ठीक है? हम पढ़ क्या रहे बच्चा? हम अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी वोकैबुलरी को क्या करना चाहते हैं बच्चा? बढ़ाना चाहते हैं, तो इसीलिए ये चैप्टर आया है। उन्होंने बोला भैया बचपन से पढ़ो, वोकैबुलरी तो है लेकिन इसको और इम्प्रूव करो। पूरा का पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन क्या कर रहा है? वोकैबुलरी तो बढ़ा रहा है। इवन बच्चा बस बिजनेस कम्युनिकेशन ही, लीगल भी तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ा रहा है, ठीक है? तो हर तरीके से आपकी वोकैबुलरी तो बढ़ रही है, ठीक? ठीक। यहाँ पे बच्चा कुछ नई घिसीबिटी बातें कर रखी है। क्या घिसीबिटी बातें कर रखी है? एनरिच वोकैबुलरी। कभी इन पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, मीनिंग बिल्कुल नहीं पूछने जाने वाला। इन्होंने बोला पर्सन ओन नॉलेज ऑफ दी वर्ड, भैया इंप्रूव करना है। बच्चा क्या एग्जाम में ये पूछा जाएगा एनरिचिंग वोकैबुलरी का मीनिंग बताइए? नहीं। क्या बच्चा बेनिफिट्स, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल बच्चा वोकैबुलरी अगर इंप्रूव होते तो बेनिफिट्स क्या होते? बेनिफिट्स होती है भैया आप क्या कर पाओगे, रीडिंग अच्छे से, रीडिंग अच्छी होगी आपकी, कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर है, सोशल लाइफ अच्छी होगी, प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले बिल्कुल भी नहीं, तो इनका पढ़ें क्यों हम? एग्जाम में क्या आने वाला है बच्चा वो मैं आपको बता रही, एग्जाम में क्या आने वाला है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको एक ऐसा चार्ट दिख रहा है क्या? इन्होंने कहा है वोकैबुलरी अगर इंप्रूव करनी है, अगर वोकैबुलरी क्या करनी है बच्चा, इंप्रूव करनी है, तो आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन सारे टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला क्या लिखा है, चॉइस ऑफ वर्ड्स। फिर क्या लिखा है बच्चा, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर। इन्होंने सिनोनिम्स बताया, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बच्चा सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ा था। प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले यूज होता है, सफिक्स क्या होता है, जो बाद में, और पूरी लिस्ट दे दी थी। इन्होंने बोला सिनोनिम का मीनिंग क्या, मीनिंग क्या होता है, सिमिलर, और पूरी लिस्ट दे दी। तो वो पूरी लिस्ट मैं बढ़ाऊंगी गूगल पे सर्च करने, उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने खुद सिनोनिम दे दिए बच्चे, उन्होंने खुद एंटोनिम दे दिए। कई बात समझ में आई? तो पहले क्या बताया जाएगा, मेन एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट। सिंगुलर का क्या होगा, प्लुरल होगा। बच्चा गर्ल का क्या होगा, बॉय होगा। बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन लेवल थोड़ा सा हाई होगा, है ना? लेवल तो हाई होगा, इंप्रूव कर रहे हैं ना। अब वही चिल्लर वाली चीजें थोड़ी ना पूछेंगे, ठीक है, कि गुड का बैड पूछ लिया, है ना, हैप्पी का सैड पूछ लिया, ऐसी चीजें नहीं आएंगी, ठीक है? लेकिन होता तो यही है ना, इसी का हाई लेवल। लेकिन बच्चा ये भी आपको तब बनेगा ना जब वोकैबुलरी अच्छी होगी, जब कोई वर्ड आपके सामने दिया है और पूछा है इसका ऑपोजिट, अगर उस वर्ड का मीनिंग पता है तो तुम ऑपोजिट बता पाओगे, मीनिंग नहीं पता तो ऑपोजिट नहीं बतावा। इन्होंने लिस्ट दिए। अब बच्चा ये लोग तो हमें लिस्ट दे देते हैं, ठीक है, क्या उसी लिस्ट में से आता है क्या? ये एग्जाम्पल दे रहे भाई, ये एग्जाम्पल दे रहे। फॉर एग्जाम्पल बच्चा दिखा रहे हो आपको स्क्रीन में, ठीक है, जैसे सिनोनिम्स बताया उन्होंने, सिनोनिम्स का मतलब क्या बता दिया, सेम मीनिंग। लेकिन बच्चा ये पूरी लिस्ट दे दी है, ये पूरी लिस्ट दे दी, ये क्या है बच्चा, पूरी की पूरी लिस्ट है किसकी, सिनोनिम्स की। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो बच्चा एक वर्ड है उसका सिनोनिम्स दे रखा है उन्होंने, ऑलरेडी उन्होंने मेहनत करके दे रखी है। याद करो इस बिजनेस कम्युनिकेशन जो चैप्टर हमने 8 पढ़ा था, उन्होंने एक वर्ड दिया था, खुद मेहनत कर रखी थी ना, पहले तो उसको पढ़ के समझ लो, नहीं आया तो फिर गूगल, पहले तो गूगल ही आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आऊंगी। इन शॉर्ट इन्होंने खुद से मेहनत करके दे रखी है। लेकिन मैं चाहूंगी कि भैया वो जो वर्ड्स है आपको क्या करना है, खुद मेहनत करनी है, समझना है। जितना आप सर्च करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे बच्चों, उतनी आपकी खुद की वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा वोकैबुलरी बेस्ड है। एक्चुअली में बच्चा जिसकी वोकैब अच्छी है उसका बिजनेस कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक अच्छा जाएगा, क्योंकि आप खुद नोटिस करो आपके टोटल कितने चैप्टर्स है, 8 है। कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ाया तो 4th पढ़ाया, 5th पढ़ाया, 6th पढ़ाया, 7, 50% कॉन्सेप्ट बेस्ड है और बाकी 50% क्या है, वोकैबुलरी। तो जिसका वोकैबुलरी इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि भैया इन 4 चैप्टर को एकदम स्ट्रांग कर ले, और जो जो वोकैबुलरी में स्ट्रांग है बच्चा, तो वो तो ये करे करे और वोकैबुलरी ऑटोमेटिक उसका स्ट्रांग रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो बच्चा जिसकी नहीं है ग्रामर, जिसकी नहीं है वोकैबुलरी, उसे परेशान नहीं होना, उसका पहला फोकस, पहली प्रायोरिटी उसकी यही होनी चाहिए, जिसका अच्छा है, जिसका अच्छा नहीं है। जिनका अच्छा नहीं है वो बाकी चीजों को थोड़ा सा, है ना, कम प्रेशर से लेंगे और ध्यान रखेंगे बस वर्ड मीनिंग एड ऑन करें अपने लाइफ में, क्योंकि बच्चा ये कहानी बस सीएसईटी की नहीं है, कहानी एग्जीक्यूटिव में भी बढ़ेगी।
आप कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आए, ये तभी हो पाएगा जब आपकी वोकैबलरी अच्छी है, ठीक है। इसीलिए सब्जेक्ट जानबूझकर दिया गया, क्योंकि लॉ में तो आएगा ना, ठीक है। चलो तो बच्चा इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले, इस चैप्टर में उन्होंने कहा पूरे लिस्ट पढ़ने वाले हम, चॉइस ऑफ वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं, एंटोनिम्स पढ़ने वाले हैं, और सबकी हम लिस्ट दे रहे हैं। ऐसे बच्चा होमोनिम्स होते हैं, होमोफोन भी होते हैं, सिंगल वर्ड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सिंगल वर्ड दे रखा है मतलब कि एक वर्ड दे रखा है जिसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, या फिर इसका ऑपोजिट ग्रुप ऑफ वर्ड दे रखा होगा और उसके लिए एक सिंगल वर्ड। बचपन में हिंदी में कभी ध्यान दिया हो तो अनेक शब्द के एक शब्द ऐसा होता था, वन वर्ड, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वर्ड्स फ्रिक्वेंटली जो स्पेलिंग गलत कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, मुहावरे, ठीक है। अब हिंदी मुहावरे तो बहुत सुने, इंग्लिश में बहुत कम सुने, हाँ, एन एप्पल अ डे, है ना। तो बच्चा लेकिन यहाँ क्या लगता है, चिल्लर वाले होंगे तो सारे मुहावरे मैं एक एक करके पढ़ाने नहीं वाली बच्चा, वो आप ही को पढ़ना है वो पूरी लिस्ट, एक्चुअली पूरा चैप्टर आप पर बेस्ड है। फ्रेजेस क्या होते हैं, मीनिंग तो बताया था, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके मीनिंग नहीं होते लेकिन ये भी साथ में यूज होंगे, इडियम्स के साथ होंगे। देन क्या लिखा है, प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, वेरी गुड। आइडियम्स क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं, और प्रोवर्ब्स हिंदी में क्या होते हैं, कैसे कुछ होता है, कहावते। जो मुहावरे होते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से बोलते हैं, और कहावते डायरेक्ट तरीके से बोलते हैं। कहावते में जो बातें होती हैं, जो बातें होती है उसमें आराम से आपको समझ में आते हैं। मुहावरों में जो बातें होती है उसके अंदर डीप मीनिंग होता है, जैसे बगल में छोरा और शहर में, शहर बोल दिया मैंने, गांव में ढिंढोरा, तो इसका एक डीप। तो ये मुहावरे की कहावतें हैं, मुहावरे। क्यों मुहावरे बच्चा, मुहावरे मतलब हम ये नहीं बोले कि बाजू में सच में छोरा है, यहाँ पे हम किसी चीज की बात कर, तो मुहावरे जो बोला जाता है उसका एक डीप मीनिंग होता है, लेकिन कहावते एक्चुअली पूरी स्टोरी का एक तरीके से कंक्लूजन ही होता है जो आराम से समझ में आ गया। एक आध कहावत का एग्जाम्पल दे सकते हो, हाँ, जैसे मेहनत से ही सब हासिल होता है, ये सब क्या है, कहावतें क्या है? बच्चा ये मुहावरा है क्या, मुहावरा घुमा फिरा कर बोला जाता है। मुहावरे में क्या चीजें होती है बच्चा, घुमा फिरा कर। इन्होंने क्या बोला, हम सब देंगे, पढ़ो वोकैबुलरी इंप्रूव करो। और क्या दे रखा है, लैटिन क्या है, फॉरेन वर्ड्स तो है, लैटिन क्या है, फॉरेन वर्ड्स, पूरी लिस्ट दे रखी है बच्चा लैटिन वर्ड्स की। क्या बस लैटिन वर्ड, फॉरेन कंट्री तो और भी है, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, सब ये सारे टाइप के वर्ड्स आपको मिलेंगे, और एक साथ जो भी कॉमन है। और ये क्या लिखा है, एब्रिविएशन मतलब क्या होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं। अब इनका शॉर्टकट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये पूरे आपको चैप्टर में बताया गया बच्चा, ये पूरा चैप्टर आपका ही है, एक्चुअल में ये सेल्फ बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखा है बच्चा, चॉइस ऑफ द वर्ड्स बताया। आ जाइए, आपको सजेस्ट किया जा रहा है, आपको क्या किया जा रहा है बच्चा, सजेस्ट, क्या सजेस्ट करके बोला जा रहा है कि प्लीज कैसे वर्ड हमेशा चूज करने चाहिए। आप खुद देखिए बच्चा, फैक्टर्स, इन्होंने क्या बोल दिया, रेंज, या फिर क्या बोले बच्चा, रिपीटेड मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स, क्या लिखा है, अपनी वोकैबलरी की रेंज बढ़ाइए, मतलब चैप्टर का नाम एनरिच योर वोकैबलरी। इन्होंने कहा भैया आप कोई एक वर्ड पे सीमित मत रहिए, आपको अपनी वोकैबलरी इंप्रूव करनी चाहिए, चाहे वो हिंदी की, चाहे वो इंग्लिश की, चाहे वो फॉरेन वर्ड्स की क्यों ना, तभी तो दे रहे हैं। इतने सारे लैटिन वर्ड्स एड ऑन किया आपने अपने लाइफ में ताकि चीजों को और बेटर समझ सको, लॉ को और बेटर समझ सको। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे भैया, आपको अपनी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करनी, इंप्रूव करनी है। अनलेस यू नो अ वर्ड, जब तक आप वर्ड नहीं जानोगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू यूज इट, ना यूज करोगे ना समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, इन्होंने कहा भैया तुम्हारी जो ऑडियंस है, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, फॉर्मल इनफॉर्मल, सबके लिए यूज करने लायक होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो सीनियर को भी समझ में आ जाए, जूनियर को भी, फॉर्मल भी समझ में आ जाए, इनफॉर्मल। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल ओरल रिटन, हर तरीके से।
मैनेज योर इंटेंट टू कन्वे, बच्चा आपको क्या करना चाहिए, जो भी अर्जेंसी है, डिसअपॉइंटमेंट है, लेवल ऑफ एक्यूरेसी है, इन सबको इन्होंने बोला भैया द मैसेज यू इंटेंट टू कन्वे, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो क्या हो सकता है, कभी कभार अर्जेंट हो सकता है, कभी कभार डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, और कभी कभार जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है वो ऊपर नीचे हो सकती है। इन्होंने बोला वर्ड को जब चूज करोगे तो इन बातों का ख्याल रखना, क्या लिखा है, कंटेक्स्ट एंड उसके यूजेस, ओनली यूज इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, यूज अदरवाइज कन्वे द रॉन्ग सेंस, जिस सेंस में बोलना चाहते हो उसी सेंस में बोलना, अदरवाइज अगर आप अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो क्या देंगे बच्चा, रॉन्ग सेंस में ले लेंगे, ठीक है। रीजनल और नेशनल डिफरेंस लैंग्वेज का हमेशा ख्याल रखना, आप रीजनली जो बोलते हो वो नेशनल नहीं चलता, जो आप नेशनली बोलते हो इंटरनेशनल नहीं चलता, सबकी लैंग्वेज अलग है। तो अगर आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आप ध्यान रखना कि आप कहाँ यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जबलपुर में आप सब जबलपुर के एक जैसी बात करते हैं बच्चा, कभी जबलपुर से थोड़ा सा बाहर निकल के देखना, बातों को करने का तरीका ही बदल जाएगा बच्चा, लोगों की सोच बदल जाती है। तो इन्होंने कहा कि भैया लैंग्वेज बैरियर बहुत आता है, तो वर्ड उस हिसाब से यूज कर लेना। आप भी आपको थोड़ा सा क्या किया जा रहा है बच्चा, समझाया जा रहा है कि शब्दों को कैसे यूज किया जाता है, कैसे चॉइस ऑफ वर्ड किए जाते हैं, ठीक है। हाँ जैसे मैटर हो गया, मैटर हो गया, तो सब खुद के तुम लोग बनाए हुए टर्म्स होते हैं, है ना। चलो इम्प्रूविंग वोकैबुलरी, वोकैबुलरी बढ़ाओ, कैसे बढ़ाएंगे, ट्राई अंडरस्टैंड, हमेशा किसको समझो, रूट को समझो, ये शब्द आते कहाँ से, ये शब्द आते कहाँ से। जैसे एक वर्ड होता है बच्चा, उसको हम क्या कर देते, चेंज कर देते, वर्ब के हिसाब से, नाउन के हिसाब से, एडवर्ब, इन सब के हिसाब से, किसी का टी आई ऑन लग जाता है, आईएनजी लग जाता है। जैसे कम, कम की बात करो, सबसे बेसिक वर्ड है, कम है, केम हो जाता है, कमिंग हो जाता है, तो ये सब क्या हो जाता है बच्चा, बदल जाता है। इन्होंने कहा रूट को समझो, रूट का मीनिंग उसी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आज ही किसकी बात करी थी, जैसे इंडेमनिटी की बात करी थी, इंडेमनिटी मतलब क्या होता है, कंपनसेट करना, अब इंडेमनिफाइड मतलब कंपनसेशन दे दिया, ये होता है ना बच्चा। तो अलग अलग तरीके से चीजें बदलती है दी वर्ड्स, ठीक है। गुड डिक्शनरी गिव योर ऑल दी चेंजेस, ये तब तब हो पाएगा जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, बात समझ में आ गई। लेकिन क्या ये एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ये बस आपको क्या कह रहे हैं कि भैया कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव की जाएगी, पूछा तो क्या जाएगा, यही पढ़ना है आपको, ये बस मैं ऊपर से तुम लोग को जनरली बता रही थी क्या क्या लिखा है इस चैप्टर में, ठीक है। कुछ तो हम देखेंगे भी नहीं, बहुत सारी चीजें स्किप करेंगे। चलिए टिप्स बताया बच्चा, सही शब्द कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले टिप क्या है, क्या लिखा होगा अंदर, ऐसे वर्ड यूज करो सिंपल, सबको समझ में आ जाए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज प्रोड्यूस द बेस्ट एंड क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन, सबको समझ में आएगा तो सब रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। बट वन मस्ट ट्राई नॉट टू सेक्रीफाइस, क्या लिखा है, प्रिसाइजनेस और डिग्निटी, मतलब वेरी गुड। इन्होंने कहा सिंपल बताओ, लेकिन सिंपल के चक्कर में इतना सिंपल ना हो जाए कि मेन चीजें आप भूल गए, उसकी डिग्निटी बच्चा, उससे आप सेक्रीफाइस मत करना, बात तो कंप्लीट करके आने का, जो समझाना चाहते हैं वो तो समझाने का। क्लियर है बच्चा, पक्का, माफ करो इसे, हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट क्या लिखा है, यूज फेमिलियर मतलब सुने हुए, जाने पहचाने हुए। बच्चा एकदम से मैं लैटिन वर्ड यूज करने लगूंगी तुम लोग को समझ में आएगा क्या, तो बच्चा अब लैटिन वर्ड बता दिया है, अब मैं बोलूं तो समझ में आएगा, तो बच्चा जाने समझे हुए वर्ड यूज करो, यूज हमेशा फेमिलियर वर्ड्स, वर्ड्स विद दी, बच्चा क्या लिखा है, शार्प एंड क्लियर मीनिंग, ऐसे वर्ड जो सबको समझ में आ जाए, जो सबके माइंड में होते। एज वर्ड विच आर फेमिलियर टू सम वन पीपल, में बच्चा अनफेमिलियर तो उसे समझने में दिक्कत होती है, तो प्लीज यूजिंग फेमिलियर वर्ड मीन्स यूजिंग लैंग्वेज जो सामने वाला हर दिन है ना सोते जागते चलते फिरते सुनता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो सामने वाले को सही समझ में आएगा। क्लियर बच्चा, जनरल बातें लिखिए बच्चा, ये जनरल बातें से पहले भी हम काफी दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, मार्क करेंगे। टेक्निकल, क्या सही बोल रही है, जर्गन मतलब क्या होता है, टेक्निकल वर्ड, इससे पहले भी आ चुका है। जर्गन इज एन लैंग्वेज यूनिक एंड पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द नॉलेज, जैसे कि साइंस के अलग टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कॉमर्स के अलग होते हैं। फर्स्ट टाइम जब कॉमर्स की एबीसीडी पढ़ रहे थे 11th क्लास में, तो समझाया जाता है डेबिट क्रेडिट गुड्स एसेट्स लायबिलिटी, ये सब समझाया जा रहा था ना बच्चा। तो साइंस टेक्नोलॉजी आर्ट्स से हर जगह का एक टेक्निकल टेक्निकल बच्चा जर्गन लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा ऑपरेशन,
अगर ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन वर्ड का मीनिंग तो बहुत सारा होता है। अगर साइंस की लैंग्वेज बोले, डॉक्टर के सेंस में बोले, तो ऑपरेशन मतलब प्रॉपर वही ऑपरेट करने वाला। बिजनेस करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलेंगे कि भैया ऑपरेशन में नहीं आया, मतलब बिजनेस करने वाली बात हो रही है, तब थोड़ी ना कि भैया हम चीर फाड़ी कर रहे हैं भैया। ठीक है, चलिए, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट इन विच इट इज यूज। तो बच्चा, सबका अपना एक एरिया होता है, किस एरिया की बात की जा रही है। इन्होंने कहा अवॉइड करो, पहले तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है, क्या हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्या हमेशा अवॉइड करना चाहिए। उन्होंने कहा भैया टू पार्ट्स है, वन इज द प्राइवेट लैंग्वेज, ओनली द पर्सन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड कैन अंडरस्टैंड। अगर कोई लेटिन वर्ड जो आपको समझ में आता है, आप लोग सीएस के बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे तो आप लोग को आपस में समझ में आएगा, लेकिन अपने पेरेंट्स, अपने पब्लिकली दूसरे दोस्त जो सीएस नहीं करे, उनको समझ में आएगा क्या? नहीं। अगर तुमने बोला कि दीदी देखो ये बैटरी कर रही है, तो मुझे समझ में आएगा। अब कॉलेज में जाकर बोला कि ये बैटरी कर रही है, तो समझ में आएगा क्या? नहीं। तो एक्चुअली बस ये लिखा है, प्राइवेटली बोलना रुक इधर, तुम्हारे साथ बैटरी हो जाएगी, है ना, उनको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ बैटरी तुम उसने कर दी है ना। तो इन्होंने बोला प्राइवेट लैंग्वेज से मतलब क्या, उनके सामने यूज करो ना, जो प्राइवेटली वो सब जानते हो। ठीक है, अदर इन वाइडर एक्सेप्टेड जनरल लैंग्वेज ही यूज करो तो ज्यादा बेटर है। जर्गन यूज करना है कर लो, मना नहीं कर रहे, लेकिन उन लोगों के सामने जिसको समझ है, नॉलेज है। चलो, अवॉइड यूजिंग क्या लिखा है, सुना सुना है, ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बड़ा चढ़ाकर। अवॉइड यूजिंग किस टाइप की बच्चा, वो सिटी मतलब क्या होता है, बड़ा चाकर, बहुत बोलना है एक चीज के लिए, है ना, एक ही सिंपल सी बात को बार बार बोलना, नहीं बार बार बोलना, एक्स्ट्रा बोलना, जरूरत नहीं है इतना, रिपीटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब कॉलेज के एग्जाम में जाओगे, है ना, कॉपी में लिखोगे आंसर, नहीं बनेगा तो एक ही चीज को घुमा फिरा कर लिखते रहते हो, फालतू की चीज लिखते रहते हो, है ना। आपका खुद मॉड्यूल एक ही चीज को बड़ा चढ़ा के बोलता है, खींच कर बोलता है, खींच कर लंबा लंबा बोलना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करना, फालतू। ठीक है, बस यही होता है बच्चा। एक्सप्रेसिव स्टाइल टू यूज द एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब ज्यादा ज्यादा बोलना। ठीक है, चलिए, यूजिंग द मोर वर्ड्स दिस इज द कॉमन वीकनेस। जनरली लोग एक चीज को बताने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, टू द पॉइंट बोलो, एग्जैक्ट बोलो, खत्म। ठीक है, मोर वर्ड्स डू नॉट नेसेसरी लीड टू, ज्यादा अगर बोलोगे तो सामने वाले को चीजें क्लियर नहीं होंगी, है ना, वो इरिटेट हो जाएगा, यार एक ही चीज को कितने बार बता रहे हैं। हम भी तो हो जाते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते वक्त होते हैं, बताओ इन मॉड्यूल को। हाँ चलो, माफ करो इसे, हो गया। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है, ट्राई करो। शॉर्ट वर्ड्स जनरली कम्युनिकेटेड बेटर देन दी लॉन्ग वर्ड। लंबी लंबी बातें कर रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे, भैया शॉर्ट में बता दो ना क्या है। वर्ड बच्चा, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दी शॉर्ट वर्ड, यूज लॉन्ग वर्ड्स विद बी कॉशियस। अगर यूज कर रहे हो तो लंबी लंबी बातें सावधानी की तरह, सावधानी से यूज करना, क्योंकि शायद आधी बातें समझ में आएगी और आधी ना आए। यूज लॉन्ग वर्ड्स ओनली वेन यू थिंक यू रीडर्स, बच्चा जो ये रीडर है उसे उसके बारे में पता है, तो फिर बड़ी बड़ी लंबी स्टेटमेंट दे सकते हो। सिलेक्ट वर्ड्स क्या लिखा है, प्रिसाइज मतलब शॉर्ट, एग्जैक्ट, प्रिसाइज बोलो तो, या फिर एग्जैक्ट, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग है। राइटिंग रिक्वायर कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड, सॉरी लैंग्वेज बच्चा, नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एनेबल यू यूज द वर्ड्स दैट कैरिंग द मीनिंग यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बच्चा आप चीजों को एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर पाओगे। कुछ नहीं बच्चा, ये क्या बातें बता रहे हमें, फिर से एक्चुअली फालतू बात बता रहे बच्चा, बस मैं यहाँ पे पढ़ा रही, आगे नहीं पढ़ाऊंगी, आगे तो फिर क्या है, सिनोनिम्स, उसका मीनिंग बताऊंगी तुम लोग को, होमवर्क हो जाएगा तुम लोग का। चलो, यूज क्या लिखा है, मतलब भेदभाव ना करो, जो दोनों के लिए यूज हो, जैसे अक्सर ही और शी लिख देते हैं, ये खुद लिख देते हैं, उन्होंने क्या बोला, जेंडर भेदभाव कभी नहीं दिखना चाहिए। टुडेज बिजनेस कम्युनिकेशन आर दी वर्ड्स डिस्क्रिमिनेट बाय दी जेंडर। आज का जमाना बच्चा जो जेंडर है उसकी उसकी इनइक्वालिटी को मानता नहीं है, हमें इक्वालिटी ही रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, ये क्या लिखा है, चेयरमैन, मैन लिख दिया, इससे अच्छा चेयर पर्सन लिखो, पर्सन में क्या होता है, लड़का लड़की, समझ में आ रहा है क्या, नहीं, लेकिन चेयरमैन लिख दिया तो भाई
दिमाग खराब हो अपना, तो है ना, चेयरमैन लिखते हैं, वेमेन क्यों नहीं लिखते। तो भैया दोनों सेक्स को अगर आप चाहते हो कि सेम सेम में कवर करो, तो ज्यादा अच्छा है चेयर पर्सन यूज करना। क्लियर है? पक्का? चलो माफ करेंगे। हो गया मार्क खत्म। अब हाँ इग्नोर चलो अब बच्चा इन्होंने समझाना चालू कर दिया। क्या लिखा है मतलब? अब इन्होंने देखो ये बता बता एग्जांपल देके बताए, जैसे कि इजी बोलो, सिंपल बोलो, लाइट बोलो, एफर्टलेस बोलो, फेशियल बोलो, या फिर स्मूथ बोलो। बच्चा ये आपका काम है, पढ़ो। ये पूरी लिस्ट दिख रही है, लिस्ट दिख रही है पढ़ने का, होमवर्क लिखो, पूरा सिनोनिम होमवर्क लिखो, बाजू में मीनिंग लिखा है तो पूरा गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, बाजू में मीनिंग लिखा है उसको अंडरलाइन करो, उसे याद हो जाएगा। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ कुछ मेहनत कर रखी है मैंने खुद, देखो। नहीं सॉरी, क्यों, क्या रीजन है कि मैं नहीं दे रही? सब दे दूंगी तो उतार लोगे? मेहनत नहीं करी तो याद भी नहीं। पहले तुम लोग मेहनत करो, ठीक है? वो भी बहुत मेहनत है तो कर लेना, ठीक है? चल ना बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मतलब पढ़ लोगे, खत्म। समझ में आया सिनोनिम्स और एंटोनिम्स? समझ में आया बच्चा? बचपन से पढ़ते आ रहे, लेकिन बस उन्होंने आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए कुछ दिया है। ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें से नहीं आता है। इसमें से क्यों आएगा? ये तो आपको बस एग्जांपल्स दे रहे हैं ना। लेकिन बच्चा आप अगर इसी में से आ गया तो बुरा लगेगा कि यार यही पढ़ ले तो हो जाता। हाँ। तो बस इस बुक का बस कंप्लीट कर लो, बाकियों की बात मैं नहीं करी कि अलग से कोई शीट वीट दूंगी, नहीं। बस इस बुक में जितनी बातें लिखी है बस उनके एक बार मीनिंग एक बार रीड आउट करो, खत्म। जिनका मीनिंग पता है अच्छी बात, जिनका मीनिंग नहीं पता है खुद से वहां पे लिख दो, ठीक है? इसका मीनिंग ये होता है और उसको एक दो बार बस रीड करने का, ठीक है? बुक में जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके बाहर की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। आएगा एग्जाम में देखी जाएगी, और एग्जाम में कुछ जनरली ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग आपको पता जनरली होता भी और नहीं भी, हर टाइप के आते, मिक्स फॉर्म में आते। कुछ होंगे जो लेवल हाई लग रहे हैं, कुछ होंगे जो आपके ही लेवल के होंगे, इजी, ठीक है? तो इजी भी आते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा बहुत खतरनाक आता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चा, क्या लिखा है? होमो का मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है बच्चा सेम, और फोन का मतलब क्या होता है? तभी तो फोन का नाम फोन रखा है, मालूम है ना? फोन का नाम फोन क्यों रखा? साउंड भाई, आवाज आती है आपको, ठीक है? तो होमो फोन साथ में मतलब सेम साउंड, लेकिन मीनिंग अलग होता है। वेरी गुड। टू वर्ड्स विच साउंड द सेम बट हैव, जैसे ये एट क्या होता है? इस एट का मीनिंग बताओ। इसका मतलब होता है खाना खाना, और इसका मतलब होता है नंबर। दोनों को एट बोलते हो, है ना? हिंदी में आठ होता है ना, इंग्लिश में तो एट एट ही होता है ना। ये बात समझ में आ रही है? सुनने में क्या है? सेम, लेकिन मीनिंग क्या है? होमोफोन समझ में आया? अब आपको ना ये पूरे दे रखे हैं होमोफोन, ये पढ़ने का, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, एडवाइस एडवाइस बच्चा, ये एट एट बच्चा, ये क्या लिखा है? बियर वाला, कौन सा वाला बियर? भालू। और एक बियर क्या होता है? सहना, सहना भी होता है ना, तो ये सब होते हैं। तो बच्चा कुछ नहीं, दोनों को सेल सेल पढ़ते हैं ना, एक सेल बेचना और एक सेल, है ना? हाँ, यूनिट भी होती है, वेरी गुड, वो भी सेल होता है। हाँ, वो भी बियर होता है, वेरी गुड। अरे वैसे तो एक और बियर बता दिया, ये पीने वाली भी तो बियर होती है, तो होते तो है ना इतने। हाँ, साउंड साउंड
इन लाइको साउंड में आओ। आपके लिखा है फोन बच्चा होमोनिम मतलब होमो मतलब बताया था सेम सेम, लेकिन भैया ये निम मतलब क्या होता है समझो, साउंड सेम है लेकिन साउंड सेम है। वेरी गुड, एक वर्ड के जब गूगल सर्च करते हैं तो आ जाते हैं 10 मीनिंग सुटेबिलिटी के हिसाब से होमोनिम। होमोफोन और होमोनिम में डिफरेंस समझ पा रहे हो? होमोफोन बोल रहे भैया सुनने में सेम है, स्पेलिंग देखो अलग है। अगर एट की बात करूं और एट की बात करूं तो भैया दोनों वर्ड ही अलग है लेकिन बोलने में साउंड में दोनों एक होते। इन्होंने कहा भैया ये तो हर तरीके से सेम है, ये पूरा सेम ही लिखा जाता है लेकिन इसके मीनिंग बदल जाते हैं। मीनिंग जैसे ये भी एड्रेस है ये भी एड्रेस है, एक एड्रेस मतलब होता है पता, दूसरा एड्रेस मतलब क्या होता है रिटर्न, ठीक है। बैंड और बैंड, एक म्यूजिक बैंड होता है एक रबर बैंड होता है, बैट और बैट एक होता है चमगादड़ एक होता है। तो ये तुम लोग को मेहनत करनी है, ये मेहनत तुम लोग को करनी है, ठीक है। वेरी गुड, होता है ए नलायको वापस आओ। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, सिंगल वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तुम्हें लगता है मैं ये मेहनत तुम्हें दे दूंगी? नहीं, खुद समझने का वर्ड के मीनिंग बच्चा कैसे सीखोगे? मैं दे दूंगी, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वेस्ट है, वेस्ट है। 2 मिनट लिखने में बिल्कुल टाइम लगेगा, कॉपी करने में टाइम लगेगा, जब अपनी मेहनत करते हो तो वो लंबे टाइम तक याद भी तो रहेगी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, सबसे ज्यादा जो स्पेलिंग मिस्टेक करते ये एब्सेंसी करते बच्चा, टुमारो को भी करते और बताओ किसकी, नेसेसरी की भी करते और रिसिप्ट की भी करते और वेरी गुड ओबीडिएंटली। इन्होंने बस बताया है खत्म, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में एब्रिविएशन मतलब क्या होता है। अब मुझे पेज नंबर बताओ, ध्यान दो ये मॉड्यूल है बच्चा, ये सारी चीजें पढ़ ली थी, सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स समझ में आ गया, वर्ड फ्रीक्वेंसी मिसपेल। अब बच्चा इसके बाद क्या दे रखा है, स्पेलिंग एरर दे रखा है, प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, अब बच्चा क्या दे रखा है एब्रिविएशन। आपको टाइप दिख रहे हैं, ये जो एम ए लिखा है इसका मास्टर ऑफ, पीएम लिखा है क्या होता है, ये कौन सा पीएम का फुल फॉर्म है, मॉर्निंग और जो नाइट को बोलते हैं तो ये नाइट वाला पीएम और एक बार पीएम होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इन्होंने कहा टाइप्स होते हैं भैया, ये एम आर लिखा है इसका मतलब क्या होता है, डीआर लिखा है मतलब कॉमर्स की लाइन में अगर मैं जाऊँ और डीआर मतलब क्या होता है, डेबिट होता है, डेटर होता है, लिखते हो डेबिट भी लिखते हो डेटर भी लिखते हो, इवन आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो डायरेक्टर को भी डीआर ही लिखोगे, तो सबके सिचुएशन हिसाब से बदल जाता है। वेरी गुड, वो भी डॉक्टर होता है। अब बच्चे मेरी बात सुनो, अगर मैं इतनी सारी बातें करूँ एब्रिविएशन में सुनो कंफ्यूजन हो सकता है, ऑब्वियसली ये डीआर लिखा है तो ये डॉक्टर वाला है कि डेटर वाला है कि डेबिटर वाला है कि क्रेडिटर खतरनाक वाला, तो ये तो बेवकूफी होगी है ना। हाँ तो ही तो करो, नाम के आगे तो समझ में आएगा, अगर इन जनरल सेंस लिखा है तो हाँ लिखता है तेरा दांत का दर्द ठीक होने लगा है ना। चलो अब बच्चा इन्होंने इसके बाद क्या दे रखा है बच्चा, idioms of phrases दे रखा है। ये देखो ये पूरी की पूरी ना आपको ना ये देख रखे उन्होंने, ये verbal वाली है, इन्होंने फिर और बताई है, ये ब्रेक ले लेके दे रखे 23, 24 दिख रहा है 30 फिर चालू कर दिया उन्होंने miscellaneous। रुको दिख रहा है ये पूरे idioms देख लिया, proverbs दिख रहे हैं, proverbs direct बातें बोली जाती है, प्रोवर्ब्स ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा इन कंपैरिजन टू इडियम्स, क्योंकि इडियम्स में क्या होते हैं बच्चा घुमा फिरा के बोला जाता है और प्रोवर्ब्स कहावतें होते हैं। रुको जरा इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं जब ये पूरा बता दूं उसके बाद दूंगी, पहले मैं दिखा दूं तुम लोग को। फिर बच्चा फॉरेन वर्ड दिख रहे हैं, मेरी बात सुनना, जिसके एब इनिशियो दिख रहे हैं जानते हो लैटिन वर्ड है बच्चे, जिसके आगे एल 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 लगा है वो क्या है बच्चा लैटिन है,
एलएल दिखता जा रहा है, जिसके आगे एफ लगा है वो फ्रेंच है, फिर एल दिख रहा है, फिर एफ दिख रहा है बच्चा। जी दिखा बच्चा, क्या है बच्चा? यहाँ ग्रीक है, यहाँ ग्रीक है। यही जब शॉर्टकट यूज होते हैं तो कंफ्यूजन होती है, इसलिए एब्रिविएशन यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है? ग्रीक है यहाँ पे, जी का मतलब, ठीक है? छपना है। अब बच्चा फाइनली उन्होंने क्या बोला, एब्रिवेटेड वर्ड्स ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ड्स बताए हैं। अब इन्होंने एब्रिविएशन बताए हैं, ठीक है? एक्चुअल में एब्रिविएशन यूज करते हैं, कुछ बातों का ख्याल रखना कि सोच समझ कर बच्चा यूज करना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। और ये एग्जाम्पल दिए बच्चा, ये क्या दिया बच्चा? एग्जाम्पल। अब मुझे बताओ कि ये चैप्टर खत्म हो गया है मेरी तरफ से, ये चैप्टर खत्म तुम्हारी तरफ से, अब क्या करना है? सबसे पहले हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन एक्सेट्रा ऐसी सारी चीजें पढ़ी जो बुक में लिस्ट दे रखा है उसको पढ़ने का, लेकिन अब हमें दिक्कत किसकी है बच्चों? इडियम्स की और प्रोवर्ब्स की। इतने सारे दे रखे हैं, 100 से ज्यादा दे रखे बच्चा, मैं ये कह रही हूँ पूरा नहीं पढ़ने का। अगर मैं प्रोवर्ब्स की बात कर रही हूँ, कहावतें की बात करूँ, स्टार्टिंग के बस 10 पढ़ना, उस 10 को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोवर्ब जो स्टेटमेंट लिखा है वो इजीली समझ में आ रहा है। इडियम्स बच्चा बहुत घुमा फिराकर है, आपको अगर पढ़ना है तो स्टार्टिंग के बस 10 पढ़ना, उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी पूरे दुनिया के मुहावरे लिख दिए क्या उन्होंने? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बच्चा इतनी मेहनत करोगे और उसमें से अगर आता है एक, तो आप उस एक को दान कर दो भाई, इतनी मेहनत मत करो, क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लिक हो गया तो हो गया, अभी अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो घुमा फिरा कर बातें। लेकिन स्टार्टिंग के सारी चीजें 10-10 तो पढ़ेंगे, जैसे प्रोवर्ब्स स्टार्टिंग के 10 पढ़ेंगे, इडियम्स स्टार्टिंग के 10 पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं। उन्होंने 100-150 दे रखे बच्चा, पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और आकर बोलोगे दीदी बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले जो पढ़े इस चैप्टर में से क्या बहुत ज्यादा आने वाले थे? मैं कहूँगी हार्डली, चलो 5 नंबर का आता है उसमें तो है नहीं, वो मैं कह रही हूँ मुश्किल से, मैं कह रही हूँ चलो 5 नंबर का भी आता है। तो बच्चा आपको ज्यादा मेहनत उनमें करनी है ना, प्रोडक्टिव काम करना है। प्रोडक्टिव मतलब कम टाइम पर ज्यादा कवरेज करे, ज्यादा टाइम देके 5 मार्क्स का कवरेज करोगे तो बच्चा परेशानी होगी, और उसके बाद भी एग्जाम में वो आएगा नहीं तो आपको बुरा लगेगा कि भैया पूरा दिन भर तो इसमें लगा दिया था हमने। तो प्लीज प्रोडक्टिव काम करेंगे, क्या ये बात समझ में आए? तो मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है, बाकी सबके स्टार्टिंग के बच्चा 10-10 पॉइंट्स एक बार पढ़ लेना, जस्ट फॉर है ना, इसीलिए कि भैया ऐसे टाइप की चीजें होती है। क्लियर है बच्चा? पक्का? थर्ड चैप्टर निकालो, चैप्टर थर्ड निकालो जल्दी। सेकंड मैंने कौन सा पढ़ाया? सेकंड पढ़ाया क्या मैंने? पता मैं सेकंड, हाँ बता रही बता रही। थर्ड चैप्टर पहले निकालो, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज एंड आर्ट ऑफ द सम, बच्चा समराइजिंग की बात हो रही है, मतलब समरी। अब यहाँ पे पैटर्न कैसे आते हैं देखो, आपको क्या दिया जाएगा? एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में बच्चा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने ऑप्शन दिए जाएंगे? 4। उन चारों में से कोई एक ऑप्शन है, कैसे पता चलेगा? जब आप इस पैराग्राफ को रीड करोगे बच्चा। अब यहाँ पे जो इतनी सारी बातें कर रखी ना, इतनी सारी बातों में क्या बोल रखा है कि भैया कैसे रीड किया जाता है? बचपन में टीचर बोलती थी कि 2 बार रीड करने का, अंडरलाइन करने का, ये सारी बातें कर रखी है। वेरी गुड, टीचर ने, फिर बच्चों ने अपना निकाला, बच्चों ने क्या निकाला? पहले क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है, फिर पैसेज रीड करने का, और क्वेश्चन से रिलेटेड जहां भी वो पैसेज में कहीं मिलता है तो अंडरलाइन करने का। तो जिस, वेरी गुड, जो सब उसका, तो बच्चा एक्चुअली में सारी टेक्निक ऐसे ही यूज करने के, पैसे समझ में आ रहे हैं बच्चा? अब देखो ये पैराग्राफ छोटे भी हो सकते हैं, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, ये बातें समझ में आ रही हैं बच्चा? कभी कभार ध्यान दो, ये आपको ABCD ऐसे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आयुष नालायक ध्यान दे दे, ये ऑप्शन दिख रहे हैं बच्चा ABCD, फिर इसके नीचे एक और ऑप्शन दे दिए, अरेंज करना है बच्चा। अब समझना,
यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये पूरा पैराग्राफ रीड करो और आप बताइए पहले क्या बोल होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। कभी कभार ग्रामेटिकली बोला जाएगा अरेंज करो, या फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस पढ़ते थे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोल की बात करें, सबसे पहले क्या होता है, प्लान होता है ना, कंट्रोल सबसे एंड में होता है ना। तो पूरे के पूरे आपको पढ़ने हैं और डिसाइड करना है कि पहले क्या होना चाहिए। फिर उन्होंने खुद ऑप्शन दे दिया, पहले DBCA होगा कि BACD होगा, मतलब पहले खुद आप अरेंज करना और देखना कि वो कौन सा वाला होगा। ऐसे टाइप के पैटर्न आएंगे। हाँ संस्कृत में आता था, है ना, वेरी गुड, संस्कृत में आता था, इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। तो पैराग्राफ पैटर्न एक क्वेश्चन आएगा, दूसरा पैटर्न क्या बच्चा, अरेंज, ठीक है, रीअरेंज करना, वेरी गुड। हाँ पूरा पूरा इसी में से, मैं वही कह रही हूँ, तू अभी बाहर थी जब मैंने बोला, वापस आओ, बता रही, फिर से आपको दिख रहा है बच्चा, स्टेप के अकॉर्डिंग, मतलब कभी कभार कुछ बातें होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ने देखा कि गरीबों को बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर उन्होंने एक एक्ट बनाया, एक्ट बना के फिर उनकी प्रॉब्लम को सुधारा गया। अब इसको ना अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया और आगे पीछे कर दिया। तो लिखा होगा गवर्नमेंट ने बच्चा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, फिर एक्ट बनाया, और दूसरा लिखा होगा एक्ट बनाया गया, फिर दिक्कतें हमें समझ में आ गई। तो आपको पढ़कर क्या समझना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ, तो सीक्वेंस आपको अरेंज करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्या लिखा है बच्चा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ सेंटेंस शुड बी, बच्चा सिंगल टॉपिक आर गिवन और वन और मोर सेंटेंस, बच्चा क्या लिखा, इज और आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब इसमें थोड़ी ग्रामर हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये चार सेंटेंस दे रखे हैं और पूछा है यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, इन चार में से कौन सा गलत है ग्रामेटिकली, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पढ़कर बच्चा आपको रीड करने में जो ठीक लग रहा है वो बढ़िया है, जो ठीक नहीं लग रहा वो इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके लिए पूरे बचपन की ग्रामर में जाने की जरूरत नहीं है, ये एक पैटर्न आएगा, ठीक है, खत्म। टोटल कितने पैटर्न्स थे, तीन पैटर्न, पहला पैराग्राफ पैटर्न, दूसरा रीअरेंज करना सीक्वेंस वाइज, और तीसरा क्या बोला, इनकरेक्ट। तो इन शॉर्ट ये चैप्टर क्या है, पूरा प्रैक्टिस बेस्ड। मैं नहीं कहूंगी इस बुक से पढ़ो, नहीं कहूंगी इस बुक से पढ़ो बच्चा, इस बुक के जितने बस वो एग्जाम्पल्स है ना, ये जो एग्जाम्पल है ना, बस ये पढ़ लो, बस एग्जाम्पल पढ़ लो बच्चा। इन्होंने वैसे आंसर भी दे ही रखे हैं, लेकिन ट्राई करना इनके आंसर को थोड़ा इग्नोर करें, खुद से सोचें फिर देखें आंसर बच्चा। इससे आपको ये पता चलेगा पैटर्न क्या आने वाला है, पैटर्न। तो ये बस आपको पैटर्न बताने के लिए कि हम ऐसे ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस पूछेंगे। जिसका पहले से स्ट्रांग है बच्चा वो थोड़ा इंप्रूव होगा, जिसका पहले से स्ट्रांग नहीं है वो थोड़ा सा अपने लेवल से इंप्रूव करेगा। एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, नहीं बन पाओगे, ये धीरे धीरे प्रोसेस है। अभी CSET में एग्जीक्यूटिव में थोड़ा और इंप्रूव हो, प्रोफेशनल और इंप्रूव हो, लाइफ के लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। अभी भी कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूज पेपर पढ़े तो आज भी कोई एक ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसकी मीनिंग हमें नहीं मालूम, तो हम भी क्या करते हैं बच्चा, गूगल की हेल्प लेते हैं। इन शॉर्ट लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है, आपकी भी चलती रहेगी। ये सोचकर उदास मत होना कि यार उसको बनता है मुझे नहीं बनता है, नहीं बच्चा, उसने कहीं सुना होगा बात करते वक्त किसी से कन्वर्सेशन, और उसने उस टाइम पर उसका मीनिंग समझ लिया होगा, तो इसलिए वो आज थोड़ा सा आगे, आपको आज वो वर्ड आए तो आज उसे समझ लो, ठीक है। परेशान मत होना, बस मैं इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर की बात कर रही हूँ, इवन एट्थ भी। चार चैप्टर जो कमांड है कॉन्सेप्ट बेस्ड उसे करो, बाकी चार थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड रखो। परेशान हो गए होना कुछ भी नहीं है, बस परेशान ही रहोगे, तब भी नहीं बनता तब भी नहीं बनता। सोच के रखो कि इनमें दिक्कतें जाएंगी और हम इसे फेस भी करेंगे, हम इसके लिए काम तो कर रहे हैं, साइड में हम वर्ड की मीनिंग तो लिखते जा रहे हैं, क्लियर बच्चा। तो आज से अब बिजनेस कम्युनिकेशन पूरे से होता है बच्चा, ओवर। आपको जो करना है बस वो होमवर्क करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो एग्जाम्पल्स देंगे, क्लियर है बच्चा।